नमस्कार, पहला प्रणाम। तो कैसे हैं दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपन लोग भी एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और अभी हम केदारनाथ के बेस कैंप में और आपके अपने कैंप से दिखा रहा हूँ बाहर के नज़ारे। तो चलिए एक बार आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ। तो गाइज, ये दो कैंप हमने कल बुक किए हुए थे। पहला कैंप ये है जिसके अंदर आपको लाइट वगैरह सब मिल जाएगी और बिस्तर भी अच्छा खासा दिया हुआ था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है। और दूसरा कैंप हमारा ये है जिसके अंदर हमने बिल्कुल फिट चकाचक बना के रखा हुआ है और देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं केदारनाथ यात्रा की, जहाँ पे हम रुके हुए थे बेस कैंप से आगे की ओर को मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो गाइस देखिए कितने मनमोहक दृश्य है सामने। आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। आप जितना पैदल चल के आए, आप कितना थके, आप भी बस एक बार इस दृश्य को देख लेंगे, बस आपकी थकान यहाँ से दूर होगी, समझ लीजिए। देखिए कितना खूबसूरती है, कितना खूबसूरत है। तो सामने जो आपको हेलीपैड दिख रहा है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर दिख रहा है, सॉरी, तो ये वही हेलीकॉप्टर है जिसकी वीडियो बीच में खूब वायरल हुई थी, जो यहाँ पे हेलीकॉप्टर से क्रैश हो गया था। तो ये वही है बस, इसमें बाकी सब सेफ थे, अच्छी खबर ये थी। और आप सामने देखिए कितना खूबसूरत नज़ारे हो रहे हैं। तो गाइस देखो सामने आपको मंदिर की चोटी नजर आ रही होगी, बड़ा ही मंदिर नजर नहीं आ रहा। तो गाइस फाइनली अब हम केदारनाथ में हैं और सामने बैठे हैं हमारे महादेव। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपको भी केदारनाथ के दर्शन कराते हैं। जय श्री केदार, जय बाबा केदार। व्यू कितना खूबसूरत हो रहा है, ये देखिए बम बम बोले। तो गाइस अब आपको थोड़ा मंदिर परिसर घुमाते हैं और सामने ये पूरा केदारनाथ के हम पीछे बैक ओर को जा रहे हैं जहाँ पे पीछे भीमशिला है। तो आपको भी दिखाते हैं भीमशिला किस प्रकार से, 2013 के बाद भीमशिला ने ही केदारनाथ को एक हिसाब से कहें तो सब लोगों की प्राणों की रक्षा की थी उस समय। तो दोस्तों ये है वो सामने वो भीमशिला जो 2013 की आपदा में ढाल बनकर खड़ी रही यहाँ पर। तो हेलो गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर की ओर को और आपको दिखाते हैं भैरवनाथ का मंदिर। कहावत है कि यदि आप केदारनाथ के दर्शन करते हैं तो भैरवनाथ के दर्शन भी जरूर कीजिएगा। तो अभी हम निकलते हैं भैरवनाथ के मंदिर की ओर को और आपको दिखाते हैं भैरवनाथ का मंदिर की वहाँ पर से कितना नदी ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हुई है।
और तो अभी हम निकल रहे हैं, जैसे रास्ता हुआ बना हुआ है तो इस रास्ते से जाते हुए सीधे इधर बेस कैंप बने हुए लगे हैं। और ये नीचे नदी, भयंकर नदी, और देख सकते हैं और सामने ऊपर चोटी पर आपको दिख रहा होगा भैरवनाथ का मंदिर। तो बस उसी को ट्रैक करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। वैसे पैरों में जान है नहीं, पर यहाँ पर आके सारी थकावट खत्म हो चुकी है और अब दोबारा जाने का मन कर रहा है भैरवनाथ मंदिर की ओर को। तो नहीं सॉरी, पहली बार तो मतलब ऐसा कर रहा कि चलने का मन, कोई भी उसमें थकावट में लग नहीं रही है कि हम इतने चल गया है नीचे से पैदल, तो ऐसा कोई थकावट दिख नहीं रही है। और अब चलते हैं भैरवनाथ मंदिर की ओर को, देखते हैं आपको भैरवनाथ मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं, कितने खूबसूरत वहाँ पर नज़ारे हैं। तो चलिए ये देख सकते हैं भाई आप, अभी हम पुल पर चेकिंग जा रहे हैं और नीचे आपको दिखाएं पुल का नज़ारा, नदी का नज़ारा दिखाएं। तो बहुत भयानक नदी नीचे बह रही है, शायद साउंड प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि माइक वगैरह लगा नहीं है। तो चलते हैं जय बाबा केदार की ओर, नदी का मार्ग। तो गाइस सामने ही भंडारा मिल रहा था और हमने यहाँ पर भंडारा ग्रहण करने के बाद हम फिर से एक बार ऊपर की ओर चलने लगे हैं और भैरवनाथ के मंदिर की ओर को। तो भंडारा यहाँ पर अलवर वालों लोगों ने कुछ एक अलवर क्रश करके कोई सस्ता थी, वो लोगों ने भंडारा किया हुआ था यहाँ पर। तो अब निकलते हैं आगे की ओर को, दर्शन कराते हैं आपको भैरव बाबा के और साथ ही ऊपर से दिखाते हैं केदारनाथ के सुंदर दर्शन। चलो चलो, दर्शन हो चुके हैं और अभी हम पार्टी दर्शन करके आ चुके हैं।